ईदी में मोहब्बत होनी चाहिए। क्या लड़की साथ ये बताओ, मेरी लड़की थी और कोई। ईदी आई है और ये टिश्यू में आई है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा वैरायटी आई है, जो लोग मुझसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखा तुझे तो मैंने सोच लिया, बिना तेरे पे आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, आज मतलब आज अजैन ने हम सबको अफ्तार पे बुलाया है। अजैन होगा, उसके दोस्त होंगे, मैं होंगी। सो हम लोग जा रहे हैं सारे इफ्तार पे। अजैन ने हम सबको इफ्तार की दावत दी है। सो बस वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो बस मैं जा रही हूँ, तो मैंने इफ्तारी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, तो मैंने मामा वगैरह के लिए रेड एप्पल से ऑर्डर कर दिया था। अभी अभी वो ऑर्डर ही ऊपर लेके आई हूँ और हम भी रेड एप्पल ही जा रहे हैं, तो आप लोग को वहाँ मिलती हूँ। आज जो ऑर्डर आना था ना, उसकी वजह से हो गई मैं लेट, जबकि मैं सबसे पहले ही तैयार होकर इन लोग का वेट कर रही थी और मैं हूँ लेट। सबका चेहरा देख लिया तो बस यही था, बस यही बचा था। अजान होने वाली है, बस दे दो यार पानी और खजूर मुझे। मेरा ही रोजा होना शायद से। तुम्हारा भी है हाँ भाई, क्या हो गया यार हमारी हो तुम। बाकी सबका समझ आता, तुम क्यों चुप बैठे हो यार? मैं मासूम हूँ, चुप ही रह। तुम मासूम नहीं हो। बला है ये जंगली बला नहीं होती। तुम अपना बताओ कि क्यों नहीं लेके आए लड़की साथ, ये बताओ। मेरी लड़की थी और कोई और लेके आया भाई, कह रहा हूं वाला गाना लगना चाहिए। आई आई क्या बोला, क्या बोला भाई, सुना नहीं है वरना। रोके यार, रो के हमारा ऑर्डर आया जो कि आ ही नहीं रहा था, और अभी वो भी नहीं आई, कढ़ाई आई नहीं। दो दो करके नान आ रहे हैं, इसको खोल के देखते हैं। जिंदगी भर रोई है ये और कोई काम ही नहीं है इसको। कौन रो रहा था कल रात को? मैं रुलाना शुरू करूं? इन्होंने क्या सीन किया कि ना हमें ना रेशमी हांडी सर्व कर दी थी, अब दूसरी हांडी इन्होंने अभी सर्व की है, मक्नी हांडी जो हम ऑलवेज यहाँ पे आके खाते हैं। चलो यार, मोबाइल यूज करने आए हो यहाँ पे? ज्यादातर ना शेक्स ही मंगवाए और मैंने लेमनेड मंगवाया भाई, क्योंकि मुझे यही पसंद है। मैं ज्यादातर बाहर आके शेक्स वगैरह कम पीती हूँ, कोल्ड कॉफी ज्यादा पीती हूँ, तो वो फ्रेश गार्डन मेरा फेवरेट है। स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा है, शर्म करो। सीधी आई है और ये टिश्यू में आई है, अभी देखते हैं इसमें क्या है। बस यही दीदी, यही दीदी, यही दीदी है तुमने मुझे। कायदे आजम होना चाहिए क्या? कायदे आजम होना, अब बड़े हो या छोटे हो? नहीं कायदे आजम थोड़ा इसमें और हो जाते तो क्या था। सबसे बड़ा बड़े नोट का कलर कौन सा है? ब्राउन है। इस नोट का कलर कौन सा है? इसका ऑरेंज है, ये देखो। नहीं ब्राउन भी है साथ में, ऑरेंज है, लेकिन इसका इसे तो मुझे 100 दे देते, 20 रुपए की आईडी होती है। मोहब्बत मोहब्बत टेन की बात आप सबने सुन ली है ना, ईदी में मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये मोहब्बत है अजैन की, ये अजैन की मोहब्बत है। बात भाई को हमने ज्यादा दिए थे, 100 रुपए दिए थे इतनी मोहब्बत। बाकी मुझे पहली दफा ही मिली 20 रुपए थी। ये क्या कह रहे हो दोनों? अच्छा अपनी वीडियोस बनाने लग गए, मैं इनको बोल रहा हूँ मेरी पिक्चर देखो, मेरी पिक्चर नहीं ले रहे। हाँ जी दी, तो मैं आज आ चुकी हूँ घर, वहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने करनी थी इफ्तार, तो इतना व्लॉग मैं नहीं बना पाई। सो बस अभी है कि शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि बस एक दो दिन में अब ईद है, तो बस शॉपिंग कम्प्लीट करनी है। हम आ गए हैं चेज़ अब अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने। मरियम ने लेनी है एक सूची, मतलब कोई चप्पल वप्पल लेनी है उसने घर में पहनने वाली। मैंने तो उस दिन ये वाली ली थी, ये बड़ी अच्छी कंफर्टेबल है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, देखते हैं क्या लेना है। आ चुकी है, अभी जो कंफी वाली चप्पल्स मुझे चाहिए थी ना वो लगी हुई, और मैं सोच रही हूँ कौन सी लूँ। बहुत अच्छी वेराइटी आई हुई है, मैं यहाँ क्यों नहीं आई पहले यार? ये चेक करिए वाली कितनी अच्छी है, और वो वाली भी कितनी अच्छी है। पहनो तो सही, यार आप लोग कमेंट में बताएं मरियम को ये लेनी चाहिए या वो पिंक वाली लेनी चाहिए, बताओ। मरियम ये बहुत प्यारी है यार, ये ले लो यार, मेरे पाँव में ज्यादा अच्छी लग रही है कि मामा, क्या आप लोगों ने बताना है।
के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं जूतियाँ कहाँ से लेके पहनती हूँ, तो मैं पहनती हूँ 6 सबकी जूतियाँ। इनकी जूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और हम लोगों के बीच में हो गई है लड़ाई, क्योंकि मुझे भी यही पसंद आई और मरियम को भी। और मामा कह रही है कि ना लो दो, मैं यही लूँगी। ठीक है, जूतियों की हमारी शॉपिंग हो गई कम्प्लीट। हमने बहुत सारी माशाल्लाह जूतियाँ खरीद ली हैं। कहीं भी चले जाएंगे सब चीज़ें मैंने ही पकड़नी होती है, मेरे बाकी घर वाले नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो कहते तुम तो जिम करती हो ना। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद हमें लग चुकी है भूख, और भूख के लिए हम पहले जा रहे थे मैकडॉनल्ड्स पर। मैंने कहा यार मैकडॉनल्ड्स तो जाते ही रहते हैं, सो चलते हैं आज की पीस। तो हम टेबीज खाते हैं, देखते हैं हम लोग केक खाते हैं। सो इनकी रमज़ान डील्स चल रही हैं ये देखें, और हम इनके पास से हमेशा खाते हैं सेक विद राइस, वो बहुत अच्छी हैं इनके, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनसे पूछ लीजिएगा कि स्टेक कौन से अच्छे, या आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे सबसे अच्छी स्टेक कौन सी है। क्या करा था हमारे सामने बताओ तो सही, शौकियाँ क्यों मारा था? बस मारा उसके पास क्या थी? उसके पास क्या थी? उसके पास चिंची थी। चिंची पे शौकियाँ मारा। सो गाइस मेरा खाना आज का है यम यस, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और शुक्र है खाना ऑन टाइम है, खाना आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मरियम वीडियो के लिए। तो गाइस बस शुरू करते हैं स्टेक अप, बहुत भूख लगी है टूट पड़ो। सो गाइस बस यही रह गई थी, और अब हम लोगों ने ये भी ले आए हैं। पूरा दिन के बाद मीठा खाने लगे हैं, और मैं बहुत दिन बाद मीठा खा रही हूँ, मैं तो ज़्यादा मीठा नहीं खाती, जबकि मैंने उनको लोटस चीज़ कहा था, उन्होंने लोटस कपकेक डाल दिया मेरे कान। आम आप क्या कहना चाहते हैं कोरियन लोगों के बारे में? ये लड़की खा रही है इस टाइम डबल चीज़ ऑमलेट, प्लीज़ दिखाइएगा ज़रा चीज़ दिखाएं। देख लो ये लो। ये क्या बदबू है ना, ये क्या बदबू है, हंस के दिखा रहा था प्लीज, हंस के दिखा प्लीज प्लीज। ओह गॉड, एक तो मैं और मेरे घर वाले। कुछ कहना चाहती हो? जाना मत क्या, यही तो सबसे मेन वो है सेगमेंट, सबसे शुरू में डालूंगी इसका क्लिप। कबाब आ चुके हैं अब, बस कबाब हम फ्राई और उसमें बनाने लगे हैं चाय। ठीक है, अहमद और तहरी को पता नहीं क्या हो गया, दोनों लड़ते हुए ऊपर आए हैं, क्योंकि सामान देने हमने उनको भेजा था कि जाए जाके सामान लेके आए, उनको लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। कबाब चिड़चिड़ करते हुए, जब तक सही से डीप रोस्ट ना, इनको मत फ्राई करो क्योंकि फिर ये अंदर से रह जाते हैं ठंडे। तो इनको मैं करने लगी हूँ माइक्रोवेव में गरम, ताकि ये वापस हो जाए सही से। जैसे मेरा नेल है, इसको अभी आप पकड़ के रखे भाजी, ये मेरा फेक नेल है जिसको तहलील बहुत ढूंढ के लेके आई है। और थैंक यू, 1 2 3 स्टार्ट। उन्होंने बहुत अच्छे वाले शामी फ्राई करनी है, पर उनको लग रहा है कि शायद ही अंदर से कच्चे हों, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये हो गए होंगे। सबसे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, मतलब मैंने नहीं की थी, मरियम ने मुझसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, लेकिन मैंने जो किया ना मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। ये देखें मैं एक बहुत क्यूट सा मिरर लेके आई हूँ अपने लिए, ये देखें ये ऐसा दिखता है, ये अच्छा है ना। और ये देखें मैं ये ब्रश भी लेके आई हूँ, इससे मैचिंग है बिल्कुल, क्यूट है ना। ये देखें मरियम इसमें पिंक कलर लेके आई हो ना तुम, हाँ ये पिंक कलर लेके आई हूँ, और मैं मैचिंग परफ्यूम भी लेके आई हूँ, और ये मैं नेल पॉलिश लेके आई थी, और ये देखें ये मैं ईद के लिए ना इयर रिंग्स लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। किले वाले इयर रिंग्स लेके आई हूँ, और ये भी लेके आई हूँ, शायद ये भी पहन सकती हूँ पे मैं, और ईद के लिए भी मैं एक जूती पसंद करके आई हूँ, शायद वो भी मैं लेके आऊँ। ये ब्रेसलेट है मेरी, ये मेरी पिंस है, और ये मैं लेके आई हूँ ये वाली बैंगल्स, ये वाली बैंगल्स, और ये मामा की है, ये बहुत क्यूट लगी थी, मैंने कहा तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, देखें कितनी क्यूट है, कितनी सारी है, ये बालों में लगती है। और मैं अपने लिए ये वाली चुटी पे लेके आई हूँ,
ये भी मैं रिमूवर्स भी लेके आई हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, नेल रिमूवर्स होते हैं। और ये भी कुछ ब्लू कलर का था, मैंने कहीं भी ले लेती हूँ, सब कुछ ब्लू की एक ऐसे थीम बन जाएगी अलग से। और जो सबसे स्पेशल चीज़ है इन सबसे हटके, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये सबसे अच्छी है, ये देखिए यार, मतलब ये कोई अंत किस्म की चीज मुझे मिल गई है वहाँ पे, और मैं हो रही थी पागल। ये पता नहीं क्या है, इसके साथ अटक सा गया। ये देखिए, मैं एक बार रुक जाऊँ, मैं इसको निकालती हूँ। ये सबसे बेस्ट है, ये अच्छा है ना। अच्छा ये देखिए इसके हाथ से, ये देखिए कितने प्यार तरीके से खुलता है। और ये देखिए, और इसके साथ ये है टाई, जबकि मुझे जो पसंद आई थी वो ब्राउन कलर की थी। और ये चेन है साथ, गाइस आज का दिन था बहुत ज्यादा बिजी, और अब बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ, और सहरी अफ्तारी सब कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बहुत अच्छी हुई है, शॉपिंग भी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब तक हो नहीं पा रही यार, हमेशा की तरह कंप्लीट। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जैसे मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ, आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।